बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक वन बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 11। टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर, मुझे दादा जान के मुतल्लिक बताइए। प्री रीडिंग हमने क्या करना है, बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि सब बच्चे अपने दादा जान के नेम बताएं, उसके बारे में डिस्कस करें, अपने दादा जान की रूटीन डिस्कस करें। शेयर विद योर क्लास, शेयर करें क्लास के साथ द नेम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेम अपने ग्रैंड वालदैन के, दादा और दादी के। टॉक अबाउट व्हाट दे डू, और बात करें कि वो क्या करते हैं, जिस तरह से इस पिक्चर में देखा जा सकता है। ये एक टीचर है जिसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर फैमिलीज लिखा हुआ है। ये सारे बच्चे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं और फैमिली से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बोर होना, बोरियत होना। टू हैव नो इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी। गिगल, लाफ लाइटली इन अ सिली वे। गिगल होता है खिलखिलाए, हल्का सा हंसना। हॉप उछलना, जंपिंग ऑन वन फुट, एक पाँव पर खड़े होना, जंप लगाना। एच ओ पी हॉप उछलना, एच ओ पी ई हॉप जो होता है वो उम्मीद होता है। द चिल्ड्रन वर लर्निंग अबाउट फैमिलीज, बच्चे जो हैं वो फैमिली से मुतल्लक सीख रहे हैं, ख़ानदानों के बारे में जान रहे हैं। देयर टीचर उनकी टीचर, मिसिज हसन स्माइल्ड मुस्कुराती हैं एंड सेट और कहती हैं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ अ फनी स्टोरी, कोई फ़नी स्टोरी सुनाओ अबाउट योर ग्रैंडफादर, अपने दादा जान के मुतल्लिक। अली यू गो फर्स्ट, अली तुम पहले सुनाओ। अली स्टूड अप, अली खड़ा हो जाता है एंड स्क्रैच हीज हेड, और अपने सर को खुजाता है। आई डोंट नो एनी स्टोरी, मैं किसी स्टोरी को नहीं जानता, सेड अली। अली कहता है मुझे कोई भी स्टोरी नहीं आती। वाई डोंट यू ट्राई अली, आस्क्ड मिसिस हसन। टीचर उनकी कहती हैं कि क्यों ना के ट्राई कर लिया जाए किसी भी स्टोरी। कैन ज़ारा एंड नबील हेल्प मी, क्या ज़ारा और नबील जो हैं उसके जो फ्रेंड क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, क्या ज़ारा और नबील मेरी हेल्प कर सकते हैं, आस्कर अली। अली कहता है श्योर। टीचर कहती है जी जी ज़रूर, सेड मिस्टर हसन। मिसिस हसन कहती है कि जी जी ज़रूर, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अली ज़ारा एंड नबील, अली ज़ारा और नबील सेट टुगेदर, एक साथ बैठ जाते हैं। दे विस्पर्ड, वो सरगोशी करते हैं एंड गिगल टू, और थोड़ा सा खिलखिलाते हैं, वो सरगोशियाँ भी कर रहे हैं और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद दे वर रेडी, वो रेडी हो जाते हैं किस काम के लिए, स्टोरी सुनाने के लिए। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड, मेरे दादा जान बूढ़े हैं। अनाउंस्ड अली, अली सबको बताता है, अली अनाउंस करता है कि मेरे दादा जान बूढ़े हैं। वन डे एक दिन, ही वॉज ऑन अ, वो थे बस में, विद टू फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी कुड हेयर टू वेल, कि कोई भी अच्छी तरह सुन नहीं सकता था, यानी कि उनकी जो समात थी वो कमज़ोर थी, सुनने का प्रॉब्लम था उनको, वो अच्छी तरह सुन नहीं सकते थे। तीन फ्रेंड्स थे, एक दादा जान, दो उसके फ्रेंड, तो वो बस में सफ़र कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी अच्छी तरह सुन नहीं सकता था। ज़ारा एंड नबील विल बी द फ्रेंड, ज़ारा और नबील जो हैं वो दादा जान के दोस्तों का किरदार अदा करते हैं। आई विल बी माई ग्रैंड फादर, मैं अपना दादा बन जाता हूँ और तुम उसके दो फ्रेंड बन जाओ। अली क्या है, दादा जान बन गया है, और ज़ारा और नबील जो है, ज़ारा और नबील क्या उसके उनके फ्रेंड बन गए हैं। वाइल रीडिंग क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर विस्पर्ड अबाउट, यानी कि टीचर ये क्वेश्चन कर सकती है बच्चों को कि आप सोच कर बताएं कि उन्होंने किस चीज़ के मुतालिक सरगोशी की, जब वो हंसे हैं सरगोशी उन्होंने की है यहाँ कि उन्होंने एक करेक्टर बना लिया था, इस वजह से वो हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जैसे ये इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये तीन जो हैं वो एक दादा जान है, दोस्त के दोस्त हैं, ये ज़ारा नबील और अली, तीनों यानी के जिन्होंने पूरा करैक्टर एक बिल्ड कर लिया है मिलके, वो हैं।
द चिल्ड्रन गिगल सम मोर। जब उन्होंने कहा ना कि तुम नबील और ज़ारा दादा जान के फ्रेंड का किरदार अदा करो और मैं दादा जान बन जाता हूँ, तो क्लास वाले जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, कि वो भी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और बच्चे भी हंस रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खिलखिला के हंसते हैं। देन दे बिगेन, उसके बाद अली ज़ारा उसको स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अली अली कहता है द बस विंडो आर ओपन, बस की खिड़की खुली है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एयर, मुझे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है, यानी कि वो एक बस में सफ़र कर रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। ज़ारा ज़ारा कहती है डिड यू नॉट ईट टूडे, यानी कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह सुन नहीं पा रहे, कहते कुछ हैं और सुनते कुछ हैं। कि ज़ारा कहती है क्या आज आपने कुछ नहीं खाया। नबील कहता है आई एम बोर्ड, मुझे बोरियत हो रही है, मैं बोर हो रहा हूँ। फिर अली कहता है बोर्ड बोरियत, डिड यू से, क्या आपने कहा बोरियत। शेल वी हैव कॉफ़ी एट द, के क्या हम अगले स्टॉप पर कॉफ़ी पियेंगे। नेक्स्ट स्टॉप, यानी कि वो कहता है, अली कहता है क्या हम नेक्स्ट स्टॉप पर कॉफ़ी पियेंगे। नबील कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गेट ऑफ एंड शॉप, कि नबील कहता है मैं उतर कर कोई ख़रीदारी नहीं करना चाहता। ज़ारा आई एम सॉरी बट वी आर ऑल टू ओल्ड टू होप। ज़ारा कहती है कि हम तमाम जो हैं बूढ़े हैं, उछल कूद नहीं सकते, तो हम ये काम नहीं कर सकते। अली माई हेयर इज़ ब्लोइंग इन द विंड, मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं। अली कहता है दिस बस इज़ टू विंडी, ये बस जो है बहुत हवा वाली है, मेरे बाल जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। ज़ारा कहती है नो नहीं, इट इज़ नॉट वेडनेसडे, आज वेडनेसडे नहीं है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट इज़ थर्सडे, टुडे इज़ थर्सडे, कि आज वेडनेसडे नहीं है, आज थर्सडे है। अली कहता है यू आर थर्स्टी टू, उसने कहा है थर्सडे और अली को क्या सुना है थर्स्टी टू। अली कहता है यू आर थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है, आपको भी प्यास लगी है। लेट्स गो ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, हम अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। नबील आई टोल्ड यू, नबील कहता है मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट टू शॉप, कि मैं शॉप पर नहीं जाना चाहता। ज़ारा नो वन आस्क्ड यू टू होप, वो कहता है शॉप, तो ज़ारा को क्या समझ आई है होप। ज़ारा कहती है नो वन असगर, कोई भी नहीं कह रहा तुम्हें उछलने को। द चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंसते हैं, एंड क्लैप्ड, और तालियां बजाते हैं। मिसेस हसन सेड टू, जो मिसेस हसन हैं वो भी हंसती हैं उनके साथ। इस स्टोरी के राइटर हैं, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ये वो तीनों खड़े हैं, ये पूरी क्लास के बच्चे बैठे हैं, इधर मिसेस हसन हैं, सब बच्चे हंस रहे हैं, यानी कि उनको बहुत मज़ा आया है स्टोरी सुनने में, अच्छी फनी स्टोरी उन्होंने बनाई है। इस लेसन के राइटर हैं निकोलस हॉसबर्ग। देन वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज सेल सवालों के जवाब दें। वो सवाल कौन से हैं जिनके हमने जवाब देने हैं, ये क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट वर द चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट इन क्लास, बच्चे क्लास में किस चीज़ के मुतल्लिक सीख रहे थे। जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था द चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट फैमिलीज, ग्रेड वन है, अबाउट फैमिलीज भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं द चिल्ड्रन लर्निंग अबाउट फैमिलीज, यानी कि इसके साथ ये वाला सेंटेंस और साथ फैमिलीज का वर्ड अटैच कर देंगे। बी क्वेश्चन है डिड अली नो एनी स्टोरी अबाउट हिज ग्रैंडफादर, क्या अली
अपने ग्रैंडफादर से रिलेटेड कोई स्टोरी जानता था? नो ही डिड नॉट नो, नहीं वो कोई स्टोरी नहीं जानता था, बल्कि स्टोरी उन्होंने एट द स्पॉट रेडी की थी तीनों ने मिलके। अली कोई भी स्टोरी नहीं जानता, नो ही डिड नॉट नो, वो कोई स्टोरी नहीं जानता था। सी हूज पार्ट डिड अली प्ले, अली ने किसका किरदार अदा किया, अली ने क्या किरदार अदा किया इस स्टोरी के अंदर, यानी कि अली ही अपना दादाजी बन गया, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा जान का किरदार अदा किया। व्हाट डिड अली से, डी क्वेश्चन है, व्हाट डिड अली से अबाउट इट बीइंग विंडी, यानी कि अली ने क्या कहा कि हवा कैसे आ रही है, इट वाज, यानी कि उसने कहा है विंडी के हवा आ रही है, और सुना ज़ारा ने क्या है, इट वाज नॉट वेडनेसडे, वो कह रही है नहीं नहीं आज वेडनेसडे नहीं है, इट वाज नॉट वेडनेसडे, क्योंकि उन्हें हेयरिंग का प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकते, वो विंडी कहता है तो उसे समझ के आती है वेडनेसडे। ई क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द थ्री चिल्ड्रन गिगल्ड, क्या आप क्या समझते हैं कि तीनों बच्चे क्यों खिलखिला के हंस रहे हैं या खिलखिला रहे हैं? बिकॉज, इसका आंसर है बिकॉज दे फाउंड देयर स्टोरी फनी, उनको अपनी स्टोरी फनी महसूस हुई है, हंसने वाली मज़ेदार मजाया स्टोरी उन्होंने बनाई है, इसी वजह से वो तीनों मुस्कुरा रहे। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Some of the words in the story were not heard correctly. इस स्टोरी के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि सही सुनाई नहीं दे रहे। What did listener hear when these words were said? यानी कि यहाँ हमने वो वर्ड्स लिखने हैं जिनको अनाउंस कुछ और किया जा रहा है और वो सुन कुछ और रहे हैं। यानी कि जब वो शॉप कहता है अली कि नेक्स्ट स्टॉप पे या शॉप पे उतरते हैं या मैं नहीं उतरूंगा, उसको क्या समझ आती है, होप। जब वो विंडी कहता है तो क्या समझ आती है, वेडनेसडे। जब वो थर्सडे कहता है तो क्या समझ आती है, थर्स्टी। जब वो स्टॉप कहता है तो उसको समझ आती है शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर जंबल्ड, जंबल्ड वर्ड क्या होते हैं, जो डिसअरेंज होते हैं, यानी कि उनके स्पेलिंग आगे पीछे होते हैं, उनको हमने करेक्ट करना होता है। व्हाट आर दीज वर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन द लेसन, ये तमाम वर्ड लेसन के अंदर से हैं, जैसे आर आई टी एच वाई एस टी, यानी कि ये बेसिकली वर्ड क्या है, थर्स्टी, इसको जंबल कर दिया गया है, इसके स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दिया गया है। अब ये टास्क टीचर बच्चों को देगी ताकि उनमें क्रिएटिविटी पैदा हो। ये वर्ड है थर्स्टी, ये ब्लोइंग, विंडी, क्लैप्ड, गीगल, बोर्ड। ऐड नॉट टू द फॉलोइंग, ये नीचे जो एग्जांपल है इसमें हमने नॉट ऐड करना है। थ्री वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, ऐड नॉट टू द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उसमें नॉट को ऐड करना है। द बस बिकेम हॉट, द बस डिड नॉट बिकम हॉट, इस तरह से हमने इसको करना है। आई शेव्ड टूडे, आई डिड नॉट शेव टूडे, दे कुड नॉट हेयर वेरी वेल, आई डू नॉट वेन टू गो गेट ऑफ एंड शॉप, इट इज नो वेडनेसडे, आई एम नॉट श्योर इट इज थर्सडे, अली स्क्रैच्ड हिज हेड। चैलेंज इसका क्या है, शेयर अ स्टोरी अबाउट योर ग्रैंडफादर विद योर क्लासमेट, यानी कि ये चैलेंज है जो बच्चों को टीचर देगी कि वो शेयर करें स्टोरी को जो उसके ग्रैंडफादर दादा जान के मुतल्लिक हो अपने क्लास रूम मेट्स के साथ। फोर क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर, यूज डब्ल्यू एच वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, who, what, etc. You can also use did and was. यानी कि ये वाले वर्ड हैं वो यूज़ कर सकते हैं, did और was भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इनको क्वेश्चन में तब्दील किया जा सके। आगे सेंटेंस क्या है, grandfather was bored.
वाज पहले आ जाएगा, वाज ग्रैंडफादर वोर, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, आगे इसके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड, डिड दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड, दे गॉट ऑफ टू हैव कॉफ़ी, डिड दे गेट ऑफ टू हैव कॉफ़ी। सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के मुतल्लिक सीखना, डिस्क्राइबिंग वर्ड, रीड दिस पैसेज, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड। साइमा इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स इन अ बिग हाउस, हर हाउस इज इन अ बिजी सिटी। द वर्ड यंग, बिग एंड बिजी, तीन वर्ड यानी कि यूज़ हुए हैं जो कि साइमा के मुतल्लिक बता रहे हैं हमें। टेल अस अबाउट द नेमिंग वर्ड्स, ये हम बता रहे हैं साइमा के मुतल्लिक, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स, गर्ल हाउस एंड सिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं, वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है। इसका हमने करना क्या है, इस सब को पढ़ने का या पढ़ाने का मतलब ये है, हमने अंडरलाइन करना है इस पैसेज के अंदर जो इसके अंदर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको हमने अंडरलाइन कर देना है। असलम इज़ एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि डिस्क्राइब कर रहा है असलम को, कि असलम एक मैन तो है ही है लेकिन वो यंग है, बेबी है, ओल्ड है, क्या है उसके मुतल्लिक हमें बता रहा है कि ओल्ड मैन है बट लेकिन ही स्ट्रॉन्ग मैन, इसके साथ साथ वो एक मजबूत आदमी भी है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो किस तरह के घर में रहता है, स्मॉल हाउस में। हीज हाउस इज़ इन अ लार्ज विलेज, उसका हाउस जो है वो लार्ज एक बहुत बड़े गांव के अंदर है। नियर अ वाइड रिवर, असलम हैज़ अ फाइन, अ बॉट फाइन, लार्ज, स्मॉल, ओल्ड, ह्यूज, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। डी क्वेश्चन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, रीड दीज वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। हैट, मैट, क्लॉक, लॉक, कोट, गॉट, फील, व्हील, बॉट, ये जो बुक और याट, सीट, रील दी गई है ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। बॉट के साथ क्या, जिसमें ई और ए आता है, सीट, ये सीट यहाँ आ गया, इसके साथ एडजस्ट हो गया। टुक, बुक, बी डबल ओ के बुक, टी डबल ओ के टुक, टुक इसके साथ एडजस्ट हो गया। फ्लैट, बॉट, इसमें ओ ए आता है, इसमें ओ ए आ रहा है। हील, रील, ये रील इसके साथ एडजस्ट हो गया। एड दिस वर्ड्स टू द लिस्ट इन एक्सरसाइज D1, यानी कि ये वाले वर्ड जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने एडजस्ट कर दिए। आगे है एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, लुक एट दिस वर्ड, इन वर्ड्स को देखें, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने देखना है और इनको करना क्या है। एग्जाम्पल इसकी ये दी गई है, जैसे ये है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट डायमंड, इसके साथ डायमंड आ गया है, ब्रिलियंट डायमंड, यानी कि थिंक ऑफ सम थिंग्स ईच वर्ड कुड डिस्क्राइब, यानी कि हर वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करे, रिटन डिस्क्राइबिंग वर्ड द फर्स्ट, यानी कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड को हमने इसके साथ हमने लगा के इसको एक वर्ड के साथ जब डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा जैसे बिग हाउस, लार्ज रिवर, तो वो उसको डिस्क्राइब कर देगा। ब्रिलियंट की एग्जाम्पल हमें उन्होंने क्या दी है, ब्रिलियंट डायमंड। आगे क्या है, डिलीशियस मील, इस ये एक्टिविटी है, ये टास्क आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप हिंट भी इसका दे सकते हैं, करके भी बच्चों को दे सकते हैं, ये क्लास पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लास अच्छी क्रिएटिव है तो आप उनको एक्टिविटी दें ताकि बच्चे घर से करके लाएं। बुक, बुक में ये एक्टिविटी के तौर पे दिया गया है, ये टीचर के करने का काम नहीं है लेकिन टीचर गाइड करे बच्चों को कि जैसे डिलीशियस मील, अगली एलिफेंट, कोई चीज़ भी लगा सकते हैं, अगली टॉर्टाइज, टर्टल या एलिगेटर, कोई अगली चीज़ है उसके साथ, बदसूरत चीज़ जो है कुछ भी लगा दें, स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग मैन लगा दें, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सन, फेमस के साथ आप मशहूर के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, टॉल, टॉल ट्री, टॉल गर्ल, पिंक फ्रॉक या पिंक पेंट, कुछ भी आप इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। स्टिकी नोट,
आर नॉटी बॉय शरारती बच्चा पुअर मैन आई थिंक यू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल लेसन एंड एक्सरसाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको एक्सरसाइज की और रीडिंग ट्रांसलेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग अस